परिवार के आगे की मंशा क्या है तो उतने किसी को खुद समझ सकते हैं, लेकिन भाजपा की रणनीति आप प्लेन एंड सिंपल होनी चाहिए। भाजपा इस वक्त एक तरफ तो हिंदुत्व के एजेंडे पर आप देख रहे हैं अच्छे से काम, वर्तमान सारे नेता जो सदन में मौजूद भी हैं वो प्लॉट मिस कर गए। दिनों जब सरकार बदली सबसे और वनरेबल हो गई है ये बातें। नीतीश कुमार ने भी कसर नहीं छोड़ी, सुशील मोदी से लेकर नित्यानंद राय से नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, तमाम चीजों पर चर्चा हुई। वहीं अगर बात करें तो विजय कुमार सिन्हा को हटाने के लिए इस सत्र को स्पेशली बुलाया गया था, इसलिए कि अध्यक्ष का चुनाव बाद में भी हो सकता था, लेकिन यह आशंका थी कि विजय कुमार सिन्हा पहले ही कोई बड़ा खेल न कर दे। अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनके पास जो शक्तियां थी उसका प्रयोग भले ही वो नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार को पता था कि वो प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में आज सत्र खत्म हुआ और इस सत्र में काफी हंगामा हुआ। हंगामा इस बात को लेकर भी हुआ कि नए अध्यक्ष को लेकर इस तरीके से पुराने अध्यक्ष ने टिप्पणी की और नीतीश कुमार के ऊपर पुराने अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा तेवर में थे, अब तो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, इसी बात पर चर्चा की जाएगी। अक्सर पंचनामा में डॉक्टर साहब को देखते होंगे, चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब पंचनामा में तो रोज चीरफाड़ करते हैं। आज भारत लाइव के दर्शकों को बताना जरूरी है कि विजय कुमार सिन्हा ने जो कड़े तेवर दिखाए हैं, क्या वो सदन के उस कुर्सी पर रहकर ये तेवर दिखाते तो इससे ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता? दिखा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भाजपा के वर्तमान सारे नेता जो सदन में मौजूद भी हैं वो प्लॉट मिस कर गए हैं। मतलब जो ट्रैक है जिस पर चलना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण शायद ये हो सकता है कि जो गुटबाजी भाजपा में है वो एक्सपोज तो हो चुकी थी, लेकिन बीते दिनों जब सरकार बदली तब से और वनरेबल हो गई है ये बातें। नीतीश कुमार ने भी कसर नहीं छोड़ी, सुशील मोदी से लेकर नंदकिशोर यादव, फिर और भी मतलब प्रेम कुमार का नाम उन्होंने लिया। तो ये सारा नाम जब वो लेते हैं तो राजनीति की गरिमा भी भंग होती है। लेकिन नीतीश तेजस्वी दोनों एक ही तरीके की राजनीति कर रहे हैं। उधर नित्यानंद राय की राजनीति समाप्त कर दिया कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने, और इधर इन सबों को एक तरह से पैक कर दिया नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार के आगे की मंशा क्या है तो नीतीश कुमार खुद समझ सकते हैं, लेकिन भाजपा की रणनीति आप प्लेन एंड सिंपल होनी चाहिए। भाजपा इस वक्त एक तरफ तो हिंदुत्व के एजेंडे पर आप देख रहे हैं अच्छे से काम करने लगी है, वो भगवा गमछियां वो सब कुछ आ गई है सदन में, लेकिन विजय सिन्हा का रोल अभी भी मैं कहूंगा कि वो उस तरह वो प्लॉट मिस कर रहे हैं। प्लॉट इसलिए मिस कर रहे हैं जिस तरीके से वो इस्तीफा नहीं उन्होंने दिया, जो वो उससे साबित करना चाहते थे वो साबित नहीं हो पाया। कार्यकाल में आपने कहा कि वो अग्रेसन दिखाते तो शायद अच्छा होता, नहीं, वो जो उन्होंने कार्यकाल किया उसमें वाकई अच्छा काम किया और विपक्ष को मैं खास तौर पर बात जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेताओं को बोलने का समय दिया, इसकी वजह से भी नीतीश कुमार नाराज कई बार हुए। विपक्ष के साथ है नीतीश कुमार? हाँ, तो विपक्ष इधर ना हो गया है, भाजपा विपक्ष हो गया है, लेकिन हाँ सम्राट चौधरी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक सवाल लगातार लोगों के मन में उठ रहा होगा कि भाजपा विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष क्यों बनाए, उनसे बड़े बड़े नेता थे, और सम्राट चौधरी को क्यों बनाया गया? मैंने स्पष्ट कर दिया था कि देखिए सम्राट चौधरी को बनाने का एकमात्र मकसद था नीतीश के लॉकस में सेंध मारी, आरसीपी सिंह के पहले दिन भी गामागामी परिषद में, बिल्कुल वो तो कल भी हुआ था, आरसीपी सिंह के तौर पर इनके पास एक लौ चेहरा हो गया है भाजपा के, और ये जो और ये जो सम्राट चौधरी हैं इनको तो लाना ही था। मैं मुझे तो ये इनपुट थी कि इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन चलिए एक अच्छा अवसर मिला है, मौका, इन्हें विधान परिषद में बनाने का मकसद ये है कि एक तरफ जहां लॉ मजबूत हो रहा है वहीं उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कहां के सदस्य है पता है ना आपको, विधान परिषद के, तो वहां घेरने का काम ये करें, नीतीश के सामने उपेंद्र कुशवाहा को जलील करें, वहां पे अन्य नेताओं को जलील करें, तो ये वहां रणनीति है। वहीं आप विजय सिन्हा के बारे में आते हैं तो ये तो हमने तय कर दिया था कि विजय सिन्हा ही होने जा रहे हैं, ये तो हमने बिल्कुल तय कर दिया था कि विजय सिन्हा को ही ये मौका दिया जाएगा। कारण क्या है, देखिए विजय सिन्हा जिस पद से हट रहे हैं
उसका एक बैकलॉग है, वो पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि बिहार के प्रशासनिक महकमे को बिहार में ब्यूरोक्रेट्स को कैसे नीतीश कंट्रोल करते रहे हैं और उसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते रहे हैं, भाजपा द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने में भी एक बजा नहीं है। हाँ, बार बार ये जाकर दिल्ली में क्या बताते थे अमित शाह कि आपने जो एजेंडा दिया है वो एजेंडा बिहार में पास नहीं हो पा रहा है। सर एक और बात होती है तो ऐसे में विजय कुमार सिन्हा से भाजपा के उन मंत्रियों को काफी नाराजगी होगी कि भाजपा को वहां जाके शीर्ष नेतृत्व को बता रहे हैं ऐसा ऐसा चल रहा है, हम लोग बता रहे हैं कि सब ठीक है। तो ये आज जो जिन लोगों ने बताया कि सब ठीक है उन्हीं लोगों की वैसे समस्या बढ़ी है। तब तो विजय कुमार सिन्हा से लड़ाई तो उन लोगों की होगी भाजपा के अंदर। लड़ाई क्या होगी, कद छाट दिया गया जी, बैठने के लिए बता दिया कि पीछे बैठिएगा आगे मत बैठिएगा, आगे उन लोगों को बैठने दीजिएगा जिन्हें आवाज बननी है आगे, और आगे भी जो लोग बैठे थे उनमें से कई लोगों का तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार राजनीति खा गए, नितिन नवीन प्रेम कुमार और भी लोगों का बोलो बोलोगे तब ना तुमको वहां मिलेगा कुछ। अब तो अब नहीं मिलेगा, बोलबो करेंगे तब। अब कैसे मिलेगा, अब अगर रिटोरिक्स पे काम होगा, अगर नीतीश के कहने पे ये बोलना शुरू करेंगे तब तो संभव नहीं ना है। देखिए सभी जानते हैं कि जब इतना जलील कर रहे हैं नीतीश कुमार तो भाजपा के नेता बोल सकते थे, हर चीज गरिमा से जोड़ के नहीं की जाती है। आप अपने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ हो सकते हैं, नीतीश के खिलाफ बोलने में डर लग रहा है, कारण है बिहार के उन नेताओं को लगता है कि कल मंत्री बनना होगा, अगर फिर भाजपा के साथ सरकार बना लेंगे नीतीश कुमार तो हमारा पॉइंट काट देंगे, कहीं नहीं बहुत बोलता बनने के लिए अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, भविष्य की राजनीति के लिए वर्तमान की राजनीति की कुर्बानी कर रहे हैं लोग, ये सही नहीं है। और भाजपा तो खैर जो भाजपा तो फैसला ही कोई सही नहीं लेती है, अगर भाजपा ये सोच रही है हिंदुत्व के एजेंडे पर वो सरकार बना लेगी बिहार में सबसे बड़ा भ्रम है उसका जी, और इसी एजेंडे पर वो चलना भी चाह रही है, लेकिन समझदार लोगों ने उसको ये राय दी होगी और शायद या भाजपा समझ गई होगी, इसीलिए भूमाई समीकरण पे भी को काम कर रही है और लौकुश पे भी काम कर रही है, शायद इसी वजह से आपने जो चेहरे देखे हैं नीतीश से अदावत का लेना देना है ही नहीं, भूमिहार समाज के मुखर नेता हैं, बोल रहे हैं कंट्रोवर्शियल हैं, इसलिए इनको वहां जगह मिला है। नीतीश पे बहुत हमला नहीं करना है, हमला तो तेजस्वी पे करना है जी। तेजस्वी पे हमला कर रहे हैं लोग, देखिए ना आप लगातार नीतीश को तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं लोग, नीतीश के पास खिलाफ बोले लायक है कहां, नीतीश के से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गिड़गिड़ाते थे, नीतीश के पास काम फंस जाता था जाके मनाते थे नीतीश कुमार को, साष्टांग दंडवत होते थे जाके नीतीश कुमार के सामने, तो बोलने की स्थिति में कहां है ये लोग, बोल ये लोग विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव का और तेजस्वी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी डर जाए, सीबीआई ईडी बीडी सब तेजस्वी पर लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश पर तो इनको भरोसा है कि फिर पलटेंगे जी, उसी पे शायद कुछ लोग खेल रहे होंगे और कोई बात नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिहार में जो नई सरकार बनी है और ये सत्र स्पेशल बुलाया गया था इसलिए विशेष परिस्थिति में सत्र बुलाया जा सकता है और बुलाई भी गई। विजय कुमार सिन्हा को अब कुर्सी से हटाकर प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया गया है, ऐसे में आने वाले सत्र में इसका परिणाम क्या मिलता है, पहले ही दिन यानी ये 3 दिनों का सत्र रहा और हंगामेदार रहा, विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आना चाहिए था नहीं आ पाई, एक विजय कुमार सिन्हा को छोड़ दे और परिषद में सम्राट चौधरी को छोड़ दे तो बाकी किसी नेता ने अभी तक आवाज नहीं निकाली है, मतलब साफ है भाजपा ने जिसे कमान दी है वही समझे, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने नेताओं को टाइट करती है तो आने वाले दिनों में जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी, पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।